अबू कैसी है तबीयत? ठीक है, सर्दी बहुत, ठंड लगी है। नमाज के लिए वजू जो किया है? नमाज वो कैसे वजू पे पानी गर्म का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ। अभी पता 2 महीने है मुझे नमाज छोड़नी पड़ेगी। नहीं 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 अबू, नमाज नहीं, गैस पे गर्म करके देंगे ना आपको। शुगर की मरीज नहीं कर सकता। नहीं नहीं कोई नहीं, बस आप नमाज पढ़ने में आपके लिए ना आटा वहाँ से महीना लगा के चला जाऊँ वापस। वापस जाना है? आपका दिल नहीं लग रहा? दिल नहीं लग रहा, जब कोई किसी का नहीं तो फिर दिल लगने के। कौन ये हालत है, क्या कहे, जब कमाने वाला था सब कुछ अच्छा लगता था, अभी चले गए। वीडियो भरने वाले भाग देते ना, हेटर बात तो कर देते ना, उनसे पूछे तुम बाप की क्या खिदमत की, तुमने क्या किया? हाँ वहाँ मैं बीमार पड़ा हूँ, मुझे भाई लेके गया। हाँ मैं नीचे था, ऊपर जाता था छुप के, आता था छुप के, शायद बाप कोई सवाल न कर दे। पैसे भी मेरे अपने होते थे, सब कुछ अपना होता था, लेकिन क्या है अभी बातों करने से सब कुछ। मैंने इसके साथ क्या नहीं किया? हाँ अभी जायदाद उनको दे दी तो मैं किसी काम का नहीं। नहीं अबू, हमारे काम के हैं और नहीं, लोग नहीं। आप, मैंने आपसे अभी नहीं सवाल किया, मैं तो आपसे नमाज का पूछ रही थी, रोटी का तो आपने खुद बताया। दुख लगता है ना, तो वो सामान जो ना वहाँ पर वो रख के ना अबू चला गया है, वहाँ पे रह नहीं रहा। आपको पता नहीं उसकी जबानी से, वहाँ उसने सामान रखा है जहाँ वहाँ कमाता था 2 साल सिजा से पूछो चाची सब उसके मिनते के काम करो। हाँ 50 कमाना 100 जाके होटल पे खाना है, बेस्ट का है ये खा, उसको पता नहीं मैं घर बनाना है। मैंने तो मुसाफिर की है ना, कैसे मैंने जगह बनाई हो कि घर। अबू पता है क्या, ट्रक ड्राइवर थे अबू, इतना हमारे लिए मेहनत करते। 40 साल 30 साल एकदम ड्राइवरी की है, 4-4 घंटे ईमान से मैं वजू करके बैठा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, कहते हम अभी जाते, 4-4 घंटे इंतजार की। ये आंख मेरी मेहनत इसकी वजह से हुई, अरबी की वजह से। वो सलमान है कुछ है जो नाम जो भी रखे, उसका नाम तो नाम हाँ, नहीं उसका नाम शुरू से जो ना गुलाम अरबी है। गुलाम नसीब है कि मेरी इज्जत किसी ने नहीं की, घर में अभी है नहीं इज्जत ना है, चाहे बच्चे है चाहे कोई है, बस अल्लाह की तरफ है। मैं तो बस महीना खान हूँ, बस बल्द रसूल में पड़ा रहूंगा, कभी तो खुदा सुनेगा बकिया बुला देगा, बस किसी का कोई सहारा नहीं, अल्लाह के बगैर कोई नहीं किसी का, बस। नहीं अबू ऐसी बातें नहीं करे आप, क्यों बातें ना करूं, आखिर एक दिन जाना है ना, जाना तो सपने हैं। हाँ। के लिए बनाया सब कुछ किया, वो आज शादियां की हेटर ये पूछे ना कि आपने अबू को क्या सहूलत दी, अबू की क्या खिदमत की। एक दिन मैंने वहाँ दांत निकाल के आया था, हारू ये मेरे पैसे नहीं लगाए, पैसे मेरे अपने थे, गाड़ी चला के गया, गाड़ी चला खा ले। मैंने वो दिन से मम्मी घर में नहीं थी, मैंने इसकी मिन्नत की, अभी तक मेरे साथ वो दूसरे बेड पे उस पर भी नहीं, दूसरा गद्दा बेड पड़ा था जब सो जा, बोलता नहीं नहीं नहीं, इसको शर्म नहीं आई कि मेरा बाप है शुगर का मरीज है, दाढ़ निकलवा के है, दाढ़ निकली खून चल रहा था, बाकी मैंने वीडियो देख ली था, बाकी बाकी खून से कोई मेरे पास नहीं था अल्लाह की सिवा। हेटर ये पूछे ना कि तुमने अबू की क्या खिदमत की। हाँ मैंने उनको प्लाट दिए हैं, जगह दी है, मैंने ही तो मजदूरी कर रहा हूँ ना बाहर जाके, ये क्यों नहीं करते बातों के लिए? बाप को सुबह बोलो किसी वक्त अस्पताल ले गया, कोई दवाई ले दी, हाँ कभी पैर बाप के पैर दबाए, हाँ ये गला दबाने के लिए हो बस, कहते तो कब मरेगा तो हम बाकी जमीन भी हड़प कर दिखाए। भाई ये है कि ये जमीन किसी को उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, चलो अल्लाह तो देख रहा है ना, जैसे कोई करेगा वैसे होगी किसी के साथ। जब यहाँ आया हाँ क्या कहता था, मैं कमा रहा हूँ, मुझे इतना पैसे थे मैं दुकान निकाल रहा हूँ, कहाँ की दुकान, सब कोई खा पी गया, फिर भी मैंने उसकी मिन्नत की, चलो याद ही जाते थे उसकी 2-3 इसने गाड़ियां खराब की, ठीक है जान के खराब की, हसरत की वजह से। किसकी अबू गाड़ियां खराब की, नुकसान किया? हाँ फिर भी उसने बर्दाश्त नहीं किया। मैंने कहा किसका नुकसान किया? असगर का, असगर हाँ, का बड़े भाई का जन। मैं जो कहता था आराम से चलो मुझे ऐसे चलानी आती है, मैंने बोला ठीक है भाई। अब उसका ना सब बहन भाई ने किया, ऐशा ने भी किया, मैंने भी किया, असगर ने भी किया, सब ने, और मुझे कमेंट में कह रहे हैं कि आप बड़ी बहन हो। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह उसकी जैसे होता है ना, बोलो ना हाँ। एक्सीडेंट हुआ था, किसने खिदमत की थी तुम्हारी? मैं सिर्फ अकेली और मेरे हस्बैंड ने की थी।
जब हाथ पे बाप की बात नहीं मानता, हेटर ये पूछे ना जो अब्बू ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने अब्बू के साथ क्या किया, ये तो हेटर की जबान इधर चलती उधर नहीं चलती। नहीं उधर वो उनका भाई बना हुआ है। पूछा के मेरे बात करा ना, अब्बू की ज्यादती क्या है, सबको शादी की जगह की हालत देखो क्या करके गया है, टूटिया खत्म, दरवाजे खत्म, नया फ्रिज मैंने लिया था, पूछो उससे, वॉशिंग मशीन नई ली थी, कूलर पक्का नया था, मैं नया लेके शादी करके चले गए, किसने इस्तेमाल किया इन्होंने, अभी देखो वो खड़ा है सामने कूलर पक्का कर, वॉशिंग मशीन के लिए फ्रिज भी खड़ा है, सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने। ऐसे तो हेटर नहीं पूछते ना, हेटर बाप की बात करते है, उनकी बात क्यों नहीं करते, उनसे पूछे ना कि आपने अब्बू को क्या सहूलत दी, क्या खिदमत की, अब्बू तुम्हारे साथ क्या किया, बातें करने के लिए हाल बंदा आ जाता है। खुदा को हाथ तुम्हारा भी माँ बाप है, खुदा को हाथ अंदा देकर है कि इस दौर में कोई बाप को छोड़ के जाता है, जब बाप हाथ बन के खड़ा हो बोले नहीं, हाथ बन के पूछो उससे, जो भी कहूँ नहीं, जो भी कहूँ नहीं, चाचे ने बिजने की सिजाद ने मिन्नत की काम को, बोलते नहीं मैं नहीं करूंगा, आज क्या कल नहीं जाऊंगा, परसों नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो चलो, बाकी भाई YouTube फैमिली वो हमारा बेटा है, मेरे बच्चों की तरह मुझे, मैंने जिसकी उसकी जितनी उसकी खिदमत की है, उसकी वाइफ बच्चों सबकी, साथ में एक्सीडेंट हुआ, उसकी वाइफ जो है ना प्रेग्नेंट थी, वो अपने मायके चली गई, और मैंने इसको अपने बच्चों के जैसे मैं दुआ ईमान के जैसे पैम्पर वैम्पर सब कुछ इसका मेरे हस्बैंड ने, मैंने हाथों पे जैसे छोटे बच्चे की तरह इसकी, अंदर रूम में से वॉशरूम भी जाने की जो है ना हालात नहीं थी, बेड पे ही पड़ा पड़ा इसकी हमने खिदमत की है। लेकिन अभी मुझे क्या सिला, जब ये सऊदी अरब गया अब्बू को जाके वहाँ पे इतनी गालियाँ मेरे खिलाफ की, इतनी बातें की मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा, मेरे बड़े भाई को मेरे खिलाफ भड़का दिया, अब्बू को भड़काया, फिर जाके ना सब बातें हुई, तो सजाद जब वहां पे गया, मेरा कजन अभी भी यहाँ पे है, तो उसने कहा नहीं चाचू, इसने तो छोटे बच्चे की तरह इसे रखा है, अंदर रूम में उसे जैसे कपड़ा फौरन उसको गरम रोटी गरम चाय जैसे छोटे बच्चों की बंदा करता है, इस तरह मैंने उसका ख्याल रखा, बस कोई बात नहीं। और अभी जो यहाँ से उसने सामान निकाला है, अम्मी का वही घर था, और अम्मी ने इसे कहा था हम सबको कि ये जगह उसकी है, जब इसे पता था कि वो जगह मेरी है मैंने बनवाई, हमने बार बार इसे समझाया, यहाँ पर भी इसका इतना हमने ख्याल रखा, मैंने ऐशा ने भाई असगर जो है मेरे उसने अब्बू ने सब ने इसका साथ दिया, लेकिन ये क्या करता है अपनी अयाशियां करता रहता है, इसको नहीं पता मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी बच्चे वहां पे मेरी सास के घर रह रहे हैं, वहां पे भी खर्चा जा रहा है, यानी कि नहीं जा रहा वहां पे माशाल्लाह जा रहा है खर्चा, लेकिन इसको सोचना चाहिए जिस तरह मैं इतने खर्च कर रहा हूं मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मकान बनाऊं, यानी कि अब्बू जिंदा है, अब्बू ने मकान दिया है, भाई उसको तुड़वाओ, कब से कह रहे थे कि भाई तुड़वा के अपना नया बनवा लो, बनवा, लेकिन ये कहता है नहीं नहीं, अब जब वहां पे सामान रख के चला गया, वहां पे रह नहीं रहा, ऐसे तो उसकी जबान नहीं है ना, हाँ। मैं वहां रिहायश नहीं रखी, और टैटल ऐसे गंदे गंदे लगा रहा है, हाँ। यूं रूप मेरे मकान देखो, ये देखो वो देखो, बस अभी पूछो ना तो किधर रह रहा है, किधर मकान दिखा दो, उसमें हाँ। मकान में है नहीं रह रहा, बस सामान रख के चले गए थे, फौरन सामान रखा और चले गए, हाँ वहां पर रहता रिहायश करता तो वो इधर ही कर सकता था, लेकिन उसने सामान रखना था, वो रख के अपना चला गया, जैसे पहले था वैसे ही आज भी है, पता नहीं वो कब तक ऐसे अपने बच्चों को दर पदर करेगा और खुद भी रहेगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सबका हक है अपने बच्चों को अच्छा मकान देना, घर देना, अब्बू का ये हालत हो गई है, अगर वो साथ होते यहाँ पे होते तो अब्बू भी नहीं कहते कि आप जाओ या सामान निकालो अपना, जबान चलानी आती है, दिमाग चलाना नहीं आता, नहीं आता। कहो हाँ भाई, पूछे तो पूछो ना, मेरे ऊपर तो बातें कर, निकाल दिया, ये क्या सोचे उनसे क्या किया, वाशिंग में नई लेके दी थी वो भी खराब कर दो, कूलर पंखा पंखे नए दे सारा, कहाँ कुछ भी नहीं है घर में, ऐसे नहीं होता, तुम भी इंसान हो, तुम्हारा भी माँ बाप है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ अपने माँ बाप को देखो, और अब्बू थोड़ा हंस लेते हैं इसलिए, हाँ। तुम भी किसी के औलाद हो, तुमने माँ बाप की बात मानी है नहीं मानी, इससे पूछो भी कौन सी बाप माँ बाप की बात मानी, उल्टा बाप के ऊपर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये बलद रसूल से आया है, कोई खुदा का खौफ करो, चले बाकी जिंदगी मुझे आराम से जीने दो, सारी जिंदगी करा करके मेरा ये हाल हो गया, शुगर हो गया, मेरी एक आंख खत्म हो गई, अभी दूसरी की वो आंख बंद नहीं रही,
तो मैं लाठी पे चलता हूँ, उससे पूछो जब भी मैं कहूँ इतना मैं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं जाता, उसको शर्म आती है आपके साथ जाने में। और मेरा हर चीज मेरी, हाँ मुझे दोस्तों के सामने नहीं नहीं, नहीं कहते भाई ये हमारा बाप है, नहीं इनको शर्म आती है, क्योंकि मैं काना कुकावन दाम दाऊ ना, इनका शर्म आती है जी। आप भी गलत करें, आप बातें कर दे घर किसी के माँ बाप के ऊपर बात करना ना, पहले अपने माँ बाप को देखें, आप देखें तुम्हारी क्या खिलते हैं माँ बाप के साथ, माँ बाप के साथ ऐसे करते, किसी से पूछो उससे पूछो, मेरे उसको बैठो बात करो, अगर तुम्हें है ना हया शर्म उसकी ये लिहाज, उससे कहो तो बाप के सामने मेरे सामने आके बैठ के बातें करें, फिर अगर तुम्हें में है ना इंसाफ है ना, बोलो उसको मेरे सामने आए बैठे, मैं बातें करना हूँ, मुझे एक बात में झुठला दे तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। हम तुम भी तुम्हारे कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, जिस जगह आग जलती है ना उसी जगह को बताया होता भी कितना गर्माइश है, दूसरे हाथ सेक के चले जाते हैं ना, या अपने हांडी पका के चले जाते नीचे, उससे तो पूछो भी उसको कितना तकलीफ हुई है। मेरे बेटे हैं, मुझे पता है कि मैंने इनको कैसे रखा है, कैसे रखा है, खुदा की कसम जो चीज कहते उसी तरह, जो चीज कहते थे उसे। और मरियम सिस्टर ने जो बागवान बनाई थी ना, वो स्टोरी बता रही थी, वो बिल्कुल मुझे लगता है मेरे अब्बू पे भी आ रही है थोड़ी बहुत, तो इस तरह कर रहे हैं। अभी उसको पता था कि अब्बू, चलो वहां तो उसके बीवी बच्चे नहीं देखे, कि अब्बू की ख्वाहिश नहीं है पोतों को मिलने की, अगर वो रुक जाता 2-3 दिन कि नहीं मेरे बच्चे जो है अब्बू को मिल कर जाएंगे, नहीं नहीं वो फौरन ही चला गया। तो अब इस चीज से आइडिया लगाए कि उसको नहीं, भाई देखो बात सुनो, जो मेरे साथ रहता था तो मेरे साथ नहीं बैठता था, कभी मेरे पाँव नहीं दबाए, कभी मुझे अस्पताल नहीं लेके गया, हा? अच्छा कभी कोई बात नहीं सुनी, कभी कोई सहूलत की बात नहीं की, 10 मिनट बैठ के बाप से बातें नहीं की, कोई दुख की सुख की क्या तकलीफ है क्या है। मुझे चाचू तेरा ले गया 3 बजे रात गया, किसी ने पूछा ना, बड़े ने पूछा ना छोटे के, कि आ गए हो, तीसरे दिन आया पूछने हाँ क्या हाल है ये, वही इसी तो देखा नहीं पूछा नहीं, मैंने बोला ठीक है। तो पूछने कौन आया था नीचे पे? बस अल्लाह बस आया था, ये नहीं आया था, ये इसने तो पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं, आज तक नहीं पूछा भी क्या हाल है तेरा, तू बच गया मर गया, ये भी तो पूछो ना उसे, मेरे ऊपर तो बातें करते हो ना, औलाद किसी को कड़वी नहीं होती, मुर्गी है ना अपने बच्चों को कोड़े से लगाती है, बाहर नहीं फेंकती, चाहे उसको बिल्लियां काटती रहे कुत्ते काटते रहे तो वो बच्चों को नहीं काटने देती। तो मैंने इनको ऐसे रखा हुआ है, इन्होंने मेरी कुछ नहीं, इन्हें क्या इज्जत की है कोई, और इनकी परवरिश से आप देखें जो ये कोई इस तरह के अब्बू ने हमें हम सबको लाड प्यार से ही पाले, सबको एक साथ जैसे हमें हर सुकून सुख जैसे होता है सब कुछ अल्लाह पाक ने अब्बू को दिया, और अब्बू ने हम पे ही खर्च किया था अपने बच्चों पर, हमें दुनिया की कुछ भी चाहिए चीज चाहिए थी अब्बू ने फौरन हमें दिला के दी, चाहे उस वक्त नहीं हालात ठीक होते बाद में लेके देते, नसीब की बात है, किसी का कोई कसूर नहीं, नहीं। जो दर्द मिला अपनों से मिला, हाँ कांटों से कोई शिकायत नहीं, फूलों के शिकायत नहीं, कोई ऐसे है भी जो है ना दर्द किसी को ना फूलों से मिलता है किसी को अपनों से मिलता है, हाँ तो मेरा नसीब ऐसा है किसी पे शिकवा नहीं है, अल्लाह ताला वही मदीने में रखेगा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, ना झूठ मारता हूँ ना मारने देता हूँ, तुम्हें शक हो मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, हेटरो उसके साथी हो उसको कहो बाप के सामने बैठे एक एक वीडियो तो बना दे, एक क्लिप तो बना के बैठे मेरे साथ, तुम्हें बताया कि मैं सच्चा हूँ, ऐसे जबान नहीं चलाया करो मेरे बेटियों बेटो, कुछ सोचा करो कि माँ बाप को कोई औलाद, और मेरे अब्बू का दिल ना कोई ना दुखाए, बस मेरा मैं तुम्हें वो पहले से अपने बच्चों से जो है ना रसूल का वास्ता है, तुम्हें अगर बिठाना है तो मेरे सामने बिठो, नहीं बिठाना तुमने भी मरना है मैंने मरना है, मैं शुगर का मरीज हूँ मुझे और तकलीफ ना दे, अगर सच समझते हो तो उसको कहो सच है तो बाप के सामने जाके एक वीडियो क्लिप बना के उसको डाले, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कौन झूठा है कौन सच्चा है, मेरी गलती है या उसकी गलती है, और यहाँ पर जो उसका प्यार है। और अब्बू यहाँ पर जब ऐशा आई थी वहां पर वो आपके घर नहीं आई थी मिलने, ठीक है ना, उसका हक बनता था वो आती, अब यहाँ अब्बू के घर आई है मिलने, हाँ नहीं अब यहाँ ये घुमाता है फिराता है उसको, हाँ कभी इसको बोलो ऐसा को मेरे घर ही बोला अब्बू
ऐसे झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ से मुझे। तो अब यहाँ पे आइए तो अबू मिले हैं, बातें भी किया, खाना भी साथ में खाया है और फिर चली गई अपने घर। जब वो अब्बू आ रहे थे स्टेशन पर, मैंने उसको बताया कि अब्बू हफ्ते की सुबह को आ रहे हैं, अगर उसको आना होता तो आ जाती, लेकिन उसका कोई मसला हुआ वो नहीं आ सकी। फिर यहाँ पे आई तो अब्बू उनसे मिले हैं। कुछ नहीं कर, तो इस तरह हमें झूठा हर बार ना साबित किया जाए और इस तरह की बातें ना करें, जिसके ऊपर बीतती है उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है। अपने दिल में वजन करें, देखो ये अल्लाह ताला का उसाद अजाब आता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है लानतुल्लाह अल काज़बीन, जो झूठ मारता है अल्लाह की उस पे लानत है, जो किसी का दर्द दुखाता है, शिकवा करता है। वो हजूर का जो फरमान है आप जब पढ़े लिखे होंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो उसको मैं मत्थे नहीं लगाऊंगा जो गिल्ला शिकवा दूसरा का बगैर देखे। एक शरी हुक्म है, जो बात तुमने कान से सुनी है आंखों से देखी है उसकी गवाही दो। ऐसे किसी की बात पे किसी का घर या किसी का दिल नहीं तोड़ो। ये रिस्क हराम खिला रहे अपने बच्चों को, फिर झूठ मूठ बोल के ना सबके ऊपर। अब वो कोर्ट का भी पता नहीं, आज मुझे किसी ने बताया कि वो तो सलमान ने लेके दिया था। मैंने कहा वो कराची है, मुझे ना ले दिया था मुझे। हाँ, वो कराची रह गया है, वो मुझे भूल गया उधर। तो ये पिछले साल वाली ने वो इधर पड़ी थी, मैंने वो ही पहनी है जब अबू आंखों के ऑपरेशन के लिए पहले आए थे। हाँ, शादी से पहले रहेगी थी, नहीं ले आया था। ठीक है, तो ये मैंने संभाल कर रखी थी। अभी भी सलमा ने ले दी है, लेकिन हम वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन छूट रही थी, हमें याद नहीं आया। मेरे टीके भी वही भूल गए मुझे, इंजेक्शन शुगर वाले, तो जैकेट भी मेरी वही रहेगी। मैं झूठ क्यों बोलूं कि गलत है? नहीं नहीं नहीं, दोनों एक साथ करके दिखाएंगे कि ये जैकेटे हैं। एक वहाँ से साजिद भाई तो बोलने आएंगे, ये जो है ये भी, ये यानी 6-7 साल पहले की है, मैंने ना उसे संदूक में रख दिया था। बड़ी थी किसी का कोई नहीं है, मैं ना पिछले जायदाद की बात आई थी। देखो जो अल्लाह की तरफ से शरई हुक्म है उसी हिसाब से हर किसी को जायदाद मिलेगी। वही आदमी तुम बताओ हेटरो तुम्हारा रिश्तेदार या कोई बड़ा कब्र में ले गया कोई, तो मैं भी कुछ नहीं ले जाऊंगा, मैं भी खाली हाथ जाऊंगा, वो भी जैसे खाली हाथ है ऐसे जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ अल्लाह आपको बहुत दे, सिर्फ डालों के लिए व्यूजे के लिए किसी को इज्जत को मत चलाओ, किसी इज्जत से नहीं करो, किसी के दिल से नहीं, शायद किसी को आ भी लग जाए। तुम जो करोगे तो इज्जत नहीं, चलो बलद रसूल में जाके मैं आह निकालू तो आपका क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हाँ, जैसे दूध वाला है बेगर, हाँ उसका क्या है, देखना इतने एक दिन इसी तबाही देखना। जो किसी को लड़ाता है ना, हाँ वो एक दिन तबाह बर्बाद हो जाता है। ये अल्लाह के हुक्म, मैंने उसको हरम में बैठ के कहा था, बोलता है नहीं ये मैंने बोला तू कसम उठाता है, बोलते नहीं। फिर मैंने बोला झूठ क्यों बोलते हो, मैं तो सीधी बात करता हूँ, जो मेरे साथ आए बैठे मेरे सामने बातें करे, मैं किसी की ना छोटे बेटे की ना बड़े की ना बच्चों की ना कहीं की किसी की बात नहीं रखता। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज है कोई आदमी मुझे झूठा कर दे इन बातों में मैं माफी मांगूंगा उससे। लेकिन नहीं है तो खुदा के लिए बलद रसूल का वास्ता, किसी को गलत तो मत नहीं लगाया करो, कुछ ना कहा करो, सिर्फ वीजों के लिए उसके लिए ना किया करो। ठीक है, वीजों के लिए कुछ नहीं करो, आखिर सब ने मरना है। अपने घर में देखो, बाद में किसी के ऊपर बात करो कि जो हालात होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते, कहानी एक जैसी नहीं होती सबकी। ठीक है, हाँ मैं यही कहता हूँ बार बार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि गलत बात गलत बातें ना करो। जिसको तकलीफ होती है ना जी, वो उसको पता होता है। बाकी अबू आप हंसी से अपनी जो जिंदगी बाकी बचे वो गुजारेंगे, चाहे मजाक में गुजारें जैसे भी गुजार, अल्हम्दुलिल्लाह अबू खुश हैं, इसमें भी हमारी खुशी और भलाई है। जो जलते हैं बेशक जलते रहें, अबू ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहेंगे जब तक अल्लाह पाक ने इन्हें जिंदगी दी है, और इंशाल्लाह ये ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। बाकी हाँ वो नहीं हो कि बस नहीं है, मैं अपनी खुशी से जाता हूँ, खुशी से आता हूँ, कोई लोग हमारे से हसद ना करे ना करे ना वो करे। बाकी मेरे अपनी जिंदगी में जहाँ आऊं ना आऊं जाऊं कोई रो नहीं है। ठीक है ठीक ठीक, बाकी कोई किसी की पाबंदी नहीं है ना कुछ नहीं है।